बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसमें कहता है कि 5% ऑफ 5% ऑफ RS 100 इज़। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 5% लिखा है तो इसका मतलब है 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 5% का मतलब है 5/100। ऑफ़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर ऑफ 5% है तो मीन्स 5/100, और ऑफ़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आगे है RS 100 तो उसकी जगह सिर्फ 100 लिख देंगे। इज इक्वल टू, आपने मालूम करना है तो ये आपका एक्स हो जाएगा। ये आपका यानी सिंपल, आपने 5% का मतलब है 5/100, ऑफ का मतलब ज़रब, फिर 5/100, फिर ऑफ का मतलब ज़रब, फिर 100। इसको ये पूरा पूरा 100 से कट गया, ये 5 1 5, और ये हमें पता है 20। फिर ये मज़ीद कटेगा तो ये 1 और ये 4, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1/4। और 1/4 किसके इक्वल होता है, 1/4 होता है सवा, मतलब 0.25, ठीक है, एक पाव। तो ये आंसर आ जाएगा 0.25, तो यही आंसर हमारा उधर भी मेंशन है, ठीक है, आसान है।